नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार दतिया के हवाई पट्टी का विस्तार कराएगी। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज दतिया हवाई पट्टी के विकास कार्य का भूमि पूजन करेंगे। 70 करोड़ रुपए होंगे खर्च। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दतिया हवाई पट्टी का विकास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। हवाई पट्टी के विकास में करीब 70 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बता दें कि दतिया हवाई पट्टी का 2400 मीटर विस्तार किया जाएगा। ऐसे में 19 सीटर विमान यहां पर आसानी से उतर सकेगा। दतिया हवाई पट्टी का स्वामित्व एयरपोर्ट अथॉरिटी को ना देकर सिर्फ संचालन के लिए दिया गया है। हवाई पट्टी को विमान संचालन के लिए आगामी अक्टूबर तक तैयार कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए सर्वे कराया जा रहा है। पीताम्बरा देवी का आशीर्वाद ले सकेंगे श्रद्धालु। दतिया में सुप्रसिद्ध पीताम्बरा देवी मंदिर है, जहां पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे में दतिया हवाई पट्टी के विस्तार से यहां पर बड़े विमान भी उतर सकेंगे, जिसकी मदद से श्रद्धालु यहां पर आसानी से पहुंच सकेंगे और पीताम्बरा देवी के दर्शन कर सकेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस हवाई पट्टी के विस्तार के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। खजुराहो के लिए शुरू होगी फ्लाइट। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत बिग फ्लाइट नामक निजी विमानन कंपनी दतिया से हवाई सेवा का संचालन करेगी। बता दें कि बिग फ्लाइट भोपाल से दतिया एवं खजुराहो के लिए हवाई सेवा की शुरुआत करेगी। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने कंपनी को संचालन की अनुमति दे दी है। वहीं खजुराहो से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट सेवा की शुरुआत होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।